हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुणाल कुमार एंड वी आर एट एडुपेशन क्लासेस। नाउ गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस। दिस इज़ वी आर डूइंग मैथ्स ऑफ क्लास 12th, चैप्टर 6 की मिसलेनियस कर रहे हैं बच्चों, और ये मिसलेनियस की थर्ड वीडियो है, राइट? तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6, ठीक है? तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे हमने शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, वी हैव कवर्ड इट इन द प्रीवियस वीडियोस, तो उनको अच्छी तरह देखना है आपने। एंड नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 सेज शो दैट द ऑल्टीट्यूड of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। अब बच्चों देखो, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि कुछ चीज़ हमें गिवन होती हैं, ठीक है? फिगर गिवन, टू प्रूफ, सब इधर लिखेंगे। जो चीज़ मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करनी है, राइट? जैसे मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, तो मैं उसको राइट साइड में लेके चलूँगा, ठीक है? चलो, गिवन क्या है? राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ये एक स्फीयर है, इसके अंदर कोन है, ठीक है? कौन है इसके अंदर? कौन, ठीक है? तो ये हो गया ए बी सी, दिस इज आर। इसको हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्फीयर है ना, स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, तो इसका मतलब आर क्या है? आर इज कांस्टेंट। जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है बच्चों, ठीक है? वो वेरिएबल नहीं होगा, राइट? और एक तो मुझे टू प्रूव भी करना है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड है ना, तो मुझे शो क्या करना है? दैट द ऑल्टीट्यूड, इसको मैं नाम दे देता हूँ, नीचे तक मैं इसको ले जाता हूँ, इसको मैं, ये जो कोन का जो रेडियस है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है? कोन के रेडियस को मैंने एक्स मान लिया। ये रेडियस, स्फीयर का रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी आर हो गया है ना, दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है? ये भी आर है, ये भी आर है, ये एक्स है, इतने रेडियस को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है? और इसको मैं, ये मेरे पास जो पॉइंट है इसको मैं ओ का नाम दे देता हूँ, इसको डी का नाम दे देता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या हो गया, ओ डी का मतलब हो गया ए डी माइनस ए यू, ठीक है? तो ओ डी की वैल्यू क्या हो गई? ए डी, ए डी, ये जो पूरा ए से लेकर डी तक पॉइंट था इसको मैंने वाई मान लिया, ये वाली पूरी लेंथ वाई है ना, बहुत खिंच पे चोर है इसलिए मैंने थोड़ा अलग से लिख दिया। तो ए डी का मतलब वाई माइनस ए यू का मतलब आर, ठीक है? दिस इज ओ डी, ओ डी इज वाई माइनस आर। इन द राइट ट्राइंगल ओ बी डी, ये जो ओ बी डी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, दैट इज़ ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? वाई माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बी डी हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, है ना? और ओ बी की वैल्यू क्या है? ओ बी मतलब आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों? चलो ये तो हमें क्लियर है। अब इसको अगर मैं खोल देता हूँ तो ये हो गया वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, अच्छा टू ए बी हुआ था ना, टू वाई आर था, है ना? तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? दिस इज अवर इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों? ये देखो, ये मैंने यहाँ से डराइव किया,
और मुझे ये भी प्रूव करना था दैट ऑल्टीट्यूड मतलब ए डी, टू प्रूव करना था ए डी इज इक्वल टू 4r/3 है ना, ये मेरा टू प्रूव भी था, साथ साथ ये भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मुझे मैक्सिमम मिनिमम क्या करना था, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच है ना। आपको पता है ना मैंने कोन के रेडियस को एक्स लिया है और कोन का जो हाइट है एच उसको वाई लिया है, तो वॉल्यूम ये मेरे लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, आर कॉन्स्टेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ एक्स की वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाली है वो इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया पाई बाय थ्री, देखो ये पाई बाय थ्री हो गया, ठीक है। और एक्स, एक्स का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, टू आर वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट और इन टू वाई है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, पाई बाय थ्री इंटू टू आर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। इसको वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने वाई को बच्चों अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, देखो डी वी बाई डी, आर वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है, सर आर तो कॉन्स्टेंट है आपने बार बार बता रखा है, तो डी वी बाई डी वाई लूँगा, ठीक है। तो पाई बाय थ्री हो गया, तो इसका जो डेरिवेटिव हो गया दैट इज़ 4r y - 3y² हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो पुट करते हैं, पुट डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मेरे पास डेरिवेटिव ये पाई बाई थ्री था इंटू 4r y - 3y² इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ, ये बात समझ आई। अब ये बात जब समझ आ गई फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हो गया पाई बाय थ्री, उधर जाके चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 4r y - 3y² इज टू, ये सेकेंड ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करना है, ये ज़ीरो चला गया तो मेरे पास क्या हो गया, 4r y = 3y² हो गया, वाई से स्क्वायर कट गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, द वैल्यू ऑफ वाई इज 4r/3, ठीक है, ये मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ, डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर, देखो आप इधर देखो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही था है ना, इसी को तो ज़ीरो पुट किया था, तो जो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है दैट इज़ पाई बाई थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, दैट इज़ 4r - 6y है ना, इसका डेरिवेटिव ही आया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू दोबारा वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं वाई की वैल्यू पुट करता हूँ तो डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर वेन वाई इज इक्वल टू 4r/3, तो ये क्या था पाई बाई थ्री 4r - 6 × 4r/3 है ना, ये आर है ना, तो वाई की वैल्यू ये पुट किया, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया पाई बाई थ्री, ये हो गया 4r - 8r, तो ये हो गया पाई बाई थ्री, ये हो गया -4r, तो ये -4πr/3, दिस इज़ लेस देन ज़ीरो क्योंकि ये नेगेटिव है बच्चों। अब आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो वॉल्यूम था वो क्या है, मैक्सिमम, ये भी हमने प्रूव कर दिया। और कब मैक्सिमम है ये, व्हेन वाई इज इक्वल टू 4r/3, और देखो मुझे ये तो साइड में प्रूव करना ही था ना, ए डी का मतलब वाई को ही मुझे प्रूव करना, तो मेरे वाई की वैल्यू ही आई थी, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, राइट, हैंस प्रूव्ड, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक दोबारा आप दोबारा अपने हाथ से इसको करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 15, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब क्वेश्चन 16 आउट ऑफ कोर्स है बच्चों कोरोना टाइम पीरियड के लिए, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, शो दैट the height of the cylinder show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r of radius r is 2r by root 3,
ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ये एक स्फीयर है, इसमें हमने बनाया सिलेंडर, ठीक है। स्फीयर का रेडियस आर है, तो बच्चों आर इज कांस्टेंट, है ना, जो चीज़ गिवन होती है बार बार बता रहा हूँ वो कांस्टेंट होता है, उसको वेरिएबल में समझ लेना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो लेंथ है इसको मैंने y मान लिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, y बाई टू हो गया, ठीक है। और ये भी क्या हो गया मेरे लिए, y बाई टू। इसको मैंने, इस वाली लेंथ को मैंने x मान लिया, ये x है मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम क्या था, वॉल्यूम, है ना। देखो मैक्सिमम वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम को मैं इधर लेके चलूँगा। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का आर है एक्स, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच का मतलब वाई है, ठीक है। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है बच्चों, मैक्सिमाइज करना है, राइट, क्लियर है ये। चलो अब मुझे क्या करना है, मैं देखता हूँ कुछ गिवन है, सो दैट दी हाइट ऑफ दी सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर गिवन है, और ये मुझे, ये भी मुझे प्रूव करना है ना, सो दैट दी हाइट, मतलब ये टू प्रूव हो गया कि जो हाइट ऑफ दी सिलेंडर इज टू आर बाय थ्री, ये टू आर बाय रूट थ्री, ये मेरा टू प्रूव है बच्चों, ठीक है। इसको गिवन मत लेके चल लेना। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वो तो मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल ही देंगे। अब सर यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, अब दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। इधर भी एक्स स्क्वायर है, वो मैं इधर ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर और इंटू वाई भी है, तो वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वाई क्या, वी क्या हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई फोर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो देखो डी वी बाई डी वाई, वाई वेरिएबल है, आर कॉन्स्टेंट है बच्चों, पाई कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो डी वी बाई डी वाई क्या हो गया, पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन फोर। अब इसको मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, पुट डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मैं डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर अपॉन फोर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ, मुझे इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या फोर आर स्क्वायर बाई थ्री, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, टू आर, ये स्क्वायर रूट हो गया ना, स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हो गया टू आर बाई रूट थ्री। देखो ये तो मुझे प्रूव करना ही था, रास्ते में ही प्रूव हो गया, है ना, हाइट यही प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो गया। सर अब क्या करें, अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। चलो मैं दूसरे पेज में इसको कर देता हूँ, यहाँ पे इसमें करता हूँ, इसको मैं इधर रखता हूँ। तो बच्चों आपका देखो, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था वो ये था, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, चलो मैं इसी में ऐसे करके लिख देता हूँ ना। देखो नेक्स्ट पेज मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर, सेकेंड पाई कॉन्स्टेंट में बाहर आ गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये हो गया माइनस सिक्स वाई बाई फोर, तो टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, तो ये हो गया माइनस थ्री पाई वाई अपॉन टू, राइट। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब वाई की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर वेन वाई इज इक्वल टू, जब मैंने वाई की वैल्यू क्या पुट करी है, टू आर बाई रूट थ्री, टू आर बाई रूट थ्री, है ना। चलो अब इसको सॉल्व, इसको हटा देते, इसको सॉल्व करते हैं, तो वाई की वैल्यू टू आर बाई पुट करते हैं, तो माइनस थ्री पाई, ये हो गया टू आर बाई रूट थ्री
और अपॉन टू, पहले रूट थ्री से ये कट गया तो इधर रूट थ्री बच गया, तो ये हो गया माइनस माइनस रूट थ्री पाई इंटू टू आर, और नीचे टू बच गया, टू से टू कट गया तो ये हो गया माइनस रूट थ्री पाई आर, है ना। और ये नेगेटिव आ रहा है लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू टू आर बाय रूट थ्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक बार क्वेश्चन दोबारा, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम ये था ना, ये था, तो मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ, ये वॉल्यूम क्या आया था हमारे पास बच्चों, देखो यहाँ से अब दोबारा से मैं इसको लिखता हूँ, चलता हूँ, वॉल्यूम मेरा ये था रिफाइंड फॉर्म, पाई आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई फोर, ये मेरा वॉल्यूम था, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, पाई आर स्क्वायर वाई, वाई का मतलब क्या है टू आर बाई रूट थ्री माइनस, ये वाई का मतलब टू आर बाई रूट थ्री का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई फोर भी है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये फोर अपॉन वन है, ये ऊपर जाके वन अपॉन फोर कर दूंगा इसको, तो ये हो गया पाई, ये हो गया टू आर क्यूब बाय रूट थ्री माइनस, ये हो गया एट आर क्यूब और ये हो गया थ्री रूट थ्री, है ना, और इंटू वन बाय फोर। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास बच्चों, पाई ये हो गई भाई फोर वन दोर फोर टू से एट, है ना। तो पहले तो ये हो गया टू आर क्यूब अपॉन रूट थ्री माइनस टू आर क्यूब अपॉन थ्री रूट थ्री, फिर इसको आगे इधर से सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया पाई, एलसीएम लिया तो ये हो गया थ्री रूट थ्री, तो थ्री सिक्स आर क्यूब माइनस टू आर क्यूब, तो ये हो गया पाई, ये हो गया फोर आर क्यूब अपॉन थ्री रूट थ्री, तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ तो ये हो गया फोर पाई आर क्यूब अपॉन थ्री रूट थ्री, दिस इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम वी हैव फाउंड इट, राइट। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लिया है, ध्यान से एक बार आपको देखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है एक बार देखते हैं, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद एम सी क्यूज़ हैं, तो एम सी क्यूज़ आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच एंड हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज वन थर्ड दैट ऑफ the cone and greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रूव करनी है, एक तो ये शो करना है शो दैट द हाइट ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसके अंदर ये एक सिलेंडर है, ठीक है,
ये हाइट हो गई, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये इसका नाम हो गया, यहाँ से पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। इस वाली लेंथ को मैं बाय मान लेता हूँ और इसकी जो रेडियस है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ दी कोन इज़ एक्स, ठीक है, और हाइट ऑफ दी कोन इज़ वाई, और ये जो एंगल है ये अल्फा दिया हुआ है। तो मुझे शो करना है, शो दैट दी हाइट ऑफ दिस सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच। अच्छा, अब ये एच दिया हुआ है तो ये कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड दी सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज वन थर्ड, ये शो करना है, शो दैट दी हाइट जिसका एंगल जो है अल्फा इज वन थर्ड दैट ऑफ द कोन, ठीक है। तो मुझे क्या शो करना है, दैट दी हाइट इज, ये टू प्रूव है, हाइट इज वन थर्ड हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर वाई है ना, सॉरी, तो वाई को क्या प्रूव करना है, इज वन थर्ड the height of the cone, वन थर्ड, और कोन की हाइट कितनी है, मैं इसको ए आर लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे शो क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज वन थर्ड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज ए आर, ठीक है। हाइट ऑफ द, अब देखो जो बड़ जो कोन है, कोन का जो रेडियस है उसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ और जो हाइट ऑफ द कोन है उसको मैं एच से डिनोट करता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा और रिफाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, वन बाई थ्री एच, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, और ये शो करना है, ये भी टू प्रूव करना है, क्या कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चों, ये सारी बातें मुझे प्रूव करने वाली हैं, ठीक है। अब और ये तो मुझे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, है ना, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, एक्स, तो पाई एक्स स्क्वायर और एच क्या है, वाई। तो मुझे एक तो इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। चलो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, अगर समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सर इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अभी गिवन में थोड़ा और रफ़ करना है, मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से ले रहा हूँ, ए पी क्यू, है ना, एक ए पी क्यू ट्राइंगल ले रहा हूँ और ए आर सी, एंड ए ट्राइंगल ए आर सी, है ना, दो ट्राइंगल लिए, ए पी क्यू और ए आर सी, देखो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंगल कॉमन है और ये वाली जो ये 90 डिग्री के बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलो तो बाय ए सिमिलैरिटी अगर आपको प्रूव करने का मन कर रहा है तो आप प्रूव भी कर दो, ठीक है, लेकिन आपको आप 12th क्लास में डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ए पी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए पी, सॉरी ए पी क्यू में पी क्यू अपॉन आर सी, देखो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए आर, ए पी अपॉन ए आर, दिस साइड अपॉन दिस साइड, है ना, ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, फिर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, पी क्यू छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड, बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड, तो हमने ऐसे इसको किया, प्रोपोर्शनल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल में, तो ये हो गया एक्स अपॉन आर, देखो पी क्यू को हमने क्या माना था बच्चों, एक्स, और आर सी को क्या माना था, आर सी मेरा आर है स्मॉल आर, ए पी, ए पी का मतलब क्या हो गया, y माइनस एच माइनस वाई, है ना, एच माइनस वाई हो गया ए पी, और ए आर, वट इज़ द वैल्यू ऑफ ए आर, ए आर मेरे पास एच है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एच एक्स इज इक्वल टू आर एच माइनस आर वाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, आर वाई इज इक्वल टू आर एच माइनस एच एक्स, तो आर वाई में एच कॉमन आ गया, तो ये हो गया आर माइनस एक्स, तो वट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, एच अपॉन आर इंटू आर माइनस एक्स, ठीक है, दिस इज दी वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल नहीं चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने वाई को एच आर और एक्स की टर्म में ले लिया, ठीक है, आर वेरिएबल चलेगा, एच हमारे पास कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है,
राइट। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो वॉल्यूम क्या है, पाई एक्स स्क्वायर और वाई, वाई की वैल्यू डाल दी एच अपॉन एक्स और ये हो गया आर माइनस एक्स, सॉरी एच अपॉन आर है ना, एच अपॉन आर है। ठीक है, देखो मैंने y के बदले ये वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये y की वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया पाई एच अपॉन आर और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकालें, डी वी बाई डी वाई, डी वी बाई डी वाई नहीं डी एक्स करेंगे, है ना, डी वी बाई सॉरी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, पाई एच बाई आर, ये आर और एच दोनों कांस्टेंट हैं। और यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये हो गया टू आर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मैं दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया पाई एच बाई आर, तो ये हो गया टू आर माइनस सिक्स एक्स। अगर मैं इसको ज़ीरो पुट करता हूँ, इसके लिए मुझे दूसरा पेज यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, इतने आप इसको लिख लो। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो पुट करना था, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑर्डर आया था पाई एच, ये मेरा डी वी बाई डी एक्स आया था ना, पाई एच अपॉन आर, ये हो गया टू आर एक्स माइनस टी एक्स स्क्वायर, इसको ज़ीरो पुट करना है। अगर मैं इसको ज़ीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो मैं करता हूँ पाई एक्स, पाई एच बाई आर टू आर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर ज़ीरो में चला गया, तो टू आर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टू आर एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स ये कट गया। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू होगी टू आर बाई थ्री। अब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर था वो क्या था मेरे पास, वो था पाई एच बाई आर टू आर माइनस सिक्स एक्स, फिर मैं एक्स की वैल्यू उसमें पुट करता हूँ, तो ये हो गया पाई एच बाई थ्री आर टू आर माइनस सिक्स एक्स, एक्स मतलब टू आर बाई थ्री, ठीक है थ्री टू द सिक्स, तो ये हो गया पाई एच बाई आर, ये हो गया टू आर माइनस फोर आर, तो ये हो गया पाई एच बाई आर, ये हो गया माइनस टू आर, तो ये माइनस आर से आर कट गया माइनस टू पाई एच, ये नेगेटिव है ना, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हमारा वॉल्यूम क्या आ रहा है मैक्सिमम, और मैक्सिमम चाहिए था ग्रेटेस्ट चाहिए था। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम कर दिया। अब मुझे करना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम कितना है ना। ठीक है, तो चलो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या था हमारे पास, देखो बच्चों वॉल्यूम मेरा ये आ रहा था ना, ये मेरा वॉल्यूम है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा। तो वॉल्यूम क्या था मेरा, पाई एच बाई थ्री, ठीक है सॉरी पाई एच बाई आर था, है ना पाई एच बाई आर इंटू आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ये हो गया, मेरे पास वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आई, मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हो गया पाई एच बाय आर, ये हो गया आर, ये हो गया फोर आर स्क्वायर बाय नाइन, देखो टू आर बाय थ्री का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस एट आर क्यूब बाई ट्वेंटी सेवन। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो गया पाई एच बाय आर, ये आर क्यूब दोनों में कॉमन आ गया, तो ये फोर बाय नाइन माइनस एट बाई ट्वेंटी सेवन, इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया पाई एच बाय आर से ये कट गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर, पाई एच आर स्क्वायर इंटू फोर बाई ट्वेंटी सेवन, इसको सॉल्व करके ये आ गया। नाउ नेक्स्ट इज़ फोर बाई ट्वेंटी सेवन पाई एच
और ये हो गया मेरे पास आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आर की वैल्यू क्या है देखो, अब मैं यहाँ से थोड़ा कुछ सॉल्व करता हूँ। जो ये ट्राइंगल है देखो, ये अल्फ़ा है ना, देखो मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बना देता हूँ ऐसे। ये ट्राइंगल मैंने इसको बना दिया है ना, ये एंगल अल्फ़ा है, दिस इज़ आर एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एच। ठीक है, हमने कोण का ये वाला ट्राइंगल लिया, ये इसकी हाइट एच थी ना। अब मुझे बताओ जो आर है, आर अपॉन एच क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन अल्फ़ा होता है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू होगी एच टेन अल्फ़ा। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने निकाली एच टेन अल्फ़ा, वो इसमें पुट कर देता हूँ। तो आर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 4/27 पाई एच, और आर की वैल्यू हो गई एच टेन अल्फ़ा और इसका होल स्क्वायर, ये वॉल्यूम चल रहा है, तो 4/27 पाई एच और ये हो गया एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यही मुझे प्रूव करना था। बच्चों देखो मैंने टू प्रूफ में ये लिखा हुआ था ना, ये प्रूव करना है कि इस प्रूफ को शो करो कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम ये आ रहा है, तो यही मेरा आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव कर दिया और मैक्सिमम वॉल्यूम भी ये आ रहा है। ठीक है, सो वी हैव डन इट। ठीक है बच्चों, चलो एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अच्छी तरह, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you so much.